मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अक्टूबर का महीना समाप्ति की ओर है, आज 31 तारीख है और आपको पता है कि जो बारिश है वो अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मानसून काफी देरी से विदा हुआ था और उसका प्रभाव यह देखने को मिला कि ज्यादातर राज्यों में अक्टूबर का जो महीना है ज्यादा बारिश लेकर के आया। केवल पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ ये जो है लार्ज रेन डेफिशिएंट रहे, यानी कि इनमें 60% या उससे ज्यादा की कमी देखी गई। और जो दूसरे राज्य थे केरल है और तटे कर्नाटक, यानी कि ये जो पश्चिमी तट का हिस्सा है, यहाँ पर भी रेन डेफिशिएंसी बनी रही। बाकी पूरा भारत जितने भी राज्य थे या तो नॉर्मल में रहे, एक्सेस में रहे या लार्ज एक्सेस में रहे, तो यानी कि बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी पूरे भारत को देखने को मिली है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो देरी से सेटल हुआ है, 29 तारीख को उसने दस्तक दी है। हालांकि 20 तारीख के बाद कभी भी वो 20 तारीख के आसपास नॉर्मल डेट होती है और उसके आगे पीछे ये सेटल हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक चक्रवाती तूफान चित्रांग बन गया था उसके कारण हवाएं जो थी वो उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वो सेटल नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसमें देरी हुई। लेकिन अब आप देखिए उत्तर पूर्वी हवाएं आ रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में, एक लक्षद्वीप के नीचे पे भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर बना हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, अब पहुंचने वाला है आज रात को जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान में, उसके पीछे एक और पश्चिमी विक्षोभ आपको दिखाई दे रहा है जो 4 तारीख से इम्पैक्ट देगा और 4 से 6-7 तारीख के बीच में पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। एक एंटी साइक्लोन है जो पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है। एंटी साइक्लोन जहां होता है वहां हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं तो वो नमी उसमें जो है वो कंडेंस नहीं होती, बादल नहीं बनते और मौसम साफ रहता है। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि क्या वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये थोड़ा सा कमजोर है और ये यानी कि इसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर यहाँ पर हल्का स्नोफॉल और हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में छटपट बारिश की घटना हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा। ये जब आगे चला जाएगा तो जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि 3 तारीख के बाद, यानी कि 2 तारीख की रात और 3 तारीख के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, 4 तारीख को ये यहाँ पहुंचेगा और उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। 5 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो स्नोफॉल है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भारी स्नोफॉल होगा। कई इलाकों में जो बारिश भी तेज होगी और जो स्नोफॉल काफी ज्यादा होगा, जिससे कि जो नेशनल हाईवे वगैरह है, जो लोकल हाईवे है, यानी राज्य के जो हाईवेज वगैरह है वो जाम हो सकते हैं। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे भी जाम होने की संभावना है, तो अगर आपका प्लानिंग है तो पहले चले जाइए या फिर बाद में जाइए, क्योंकि अगर इस तरह का अगर हैवी स्नोफॉल होता है तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगला आएगा इसका असर उत्तराखंड पर भी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इसके प्रभाव से क्या होता है कि जब भी इस तरह के कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं तो उनके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये मैदानी भागों में बन जाता है। अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो हवाएं इस तरह से घूमने लग जाती हैं, मॉइस्चर इसका भी आता है और एंटी क्लॉकवाइज जब हवा घूमती है ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी होती है, जो मॉइस्चर होता है कंडेंस होता है, बादल बनाता है, बारिश होती है, तो उस समय हमें उम्मीद है कि 6, 7 और 8 के बीच में हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना या हल्की वर्षा या हल्की बूंदाबांदी देखने को मिले। तो इसके बारे में हम नजर रखे हुए हैं, आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये इतनी तेज बारिश नहीं होगी जिससे कि फसलों को नुकसान हो या कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखे जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नवंबर के महीने में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनकी तीव्रता और जो आवृत्ति है, यानी कि कितनी बार आएंगे, ये बढ़ती जाएगी और हैवी स्नोफॉल की संभावना बन जाती है और मैदानी भागों में बारिश भी शुरू होती है और जो विंटर रेन होती है यानी सर्दियों की बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। लेकिन ये बाकी जितना भी इलाका है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मध्य और पूर्वी भाग है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे या किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तापमान अभी स्थिर रहेंगे, बहुत ज्यादा इसमें फेरबदल नहीं होगा। और उसके बाद में जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी कि आप यहाँ से शुरू कीजिए, असम है, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे मेघालय है और यहाँ पर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और ये बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है जो ये त्रिपुरा है। तो ये जो 7 राज्य हैं यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, दिन में भी थोड़ी बहुत मौसम अच्छा रहेगा और सुबह और रात के तापमान थोड़े से ठंडे रहेंगे।
और अगर मध्य भारत की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और गुजरात और महाराष्ट्र, ये सब इलाके भी अब शुष्क रहेंगे। इसमें दिन अभी भी गर्म है और रातें थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा बर्फबारी देकर के, तो 7 तारीख के बाद से 8 या 9 तारीख से हवाएं एक बार फिर इस तरह से घूमेंगी और जो बर्फीली हवाएं होंगी, यानी कि वहां स्नोफॉल हो चुका होगा, तो स्नोफॉल के इलाके से जब हवाएं आएगी तो वो दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ तक का तापमान गिराएंगी और कड़ाके की सर्दी उस समय शुरू हो सकती है। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और अब जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही है। तो अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि तिरुपति, नेल्लोर और उसके आसपास के इलाकों में, यानी साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो ये बारिश की गतिविधियां है किस इलाके में काफी ज्यादा होने वाली है, यानी कि ये उत्तर तटीय तमिलनाडु से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ तेज बारिश की संभावना है, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बेंगलुरु वगैरह में भी बारिश की संभावना है, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी और केरल वगैरह, आंतरिक तमिलनाडु और साउथ इंडिया कर्नाटका में लाइट मॉडरेट रेन होगी और अंडमान और निकोबार में बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी, एक दो मॉडरेट कल हो सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे क्लाइमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।